दोस्तों अगर आप भी सचिन तेंदुलकर को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2022 में सभी टीमों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है और ऐसे में हाल ही में खेले गए 9वें मुकाबले में मुंबई और राजस्थान के दो दिग्गज टीमें आमने सामने खेलती हुई दिखाई दी और दोनों ही टीमों की तरफ से शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। लेकिन मुंबई की टीम को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने मुंबई की हार पर गुस्सा जाहिर करते हुए रोहित शर्मा को लताड़ा और रोहित शर्मा को टीम की कमजोरी बताते हुए बयान दिया है। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं आखिरकार सचिन तेंदुलकर ने क्या कहा अपने बयान में। लेकिन उससे पहले जॉश बटलर और हार्दिक पांड्या में कौन है तेज तर्रार बल्लेबाज, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2022 के 9वें मुकाबले में दो दिग्गज टीमें आमने सामने खेलती हुई दिखाई दी और ये दो टीमें राजस्थान और मुंबई की हैं, जिनके बीच मुकाबला देखने का आनंद दर्शकों को आता है। और इस मुकाबले में सबसे पहले रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए राजस्थान की टीम को आमंत्रित किया और राजस्थान की तरफ से जॉश बटलर ने 100 रन की शतकीय पारी और हेटमायर की तेज तर्रार 35 रनों की पारी की बदौलत राजस्थान ने 193 रन 8 विकेट के नुकसान पर बना दिए और जिसमें 3-3 विकेट टाइमंड मिल्स और जसप्रीत बुमराह ने लिए। तो वहीं मुंबई की टीम जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो मुंबई की तरफ से तिलक वर्मा 61 रन और ईशान किशन की 54 रन की पारी की बदौलत मुंबई की टीम जीत हासिल नहीं कर पाई और इस मुकाबले को 23 रन से हार गई और मुंबई की टीम 170 रन 8 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में बना पाई, जिसमें चहल और नवदीप सैनी ने 2-2 विकेट हासिल किए। तो वहीं ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा और अश्विन ने 1-1 विकेट हासिल किया, जिसके बाद सचिन तेंदुलकर ने रोहित शर्मा को हार के बाद भड़कते हुए बयान दिया और जिसमें उन्होंने कहा कि मुंबई इंडियंस की टीम के हार के जिम्मेदार रोहित शर्मा है, क्योंकि रोहित शर्मा को इस मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन करना था क्योंकि इस मुकाबले में लक्ष्य बहुत ज्यादा बड़ा था और इसके लिए कप्तान को जिम्मेदारी भरी पारी खेलनी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो वहीं दूसरी वजह यह रही कि मुंबई इंडियंस की टीम से कोई भी विस्फोटक बल्लेबाज मध्यम क्रम में नहीं है और अगर पोलार्ड है जिनका प्रदर्शन आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है और उनकी बेकार फॉर्म मुंबई के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। तो वहीं इस टीम में टॉप ऑर्डर के बाद कोई भी तेज तर्रार बल्लेबाजी करने वाला खिलाड़ी नहीं है और टीम में ऐसी जान नहीं दे पा रहा है जो काम पहले हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या किया करते थे और इन दोनों के ना होने से टीम को खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है और इसके लिए रोहित शर्मा ही जिम्मेदार है, क्योंकि अगर इन दो खिलाड़ियों में से कोई एक खिलाड़ी भी टीम का हिस्सा होता तो मुंबई की टीम के लिए नतीजे कुछ और ही होते। लेकिन हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या को टीम से बाहर करने के बाद मुंबई की टीम को बहुत ही ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है और वहीं अगर मुंबई की टीम को अपनी टीम का विनाश नहीं करवाना है तो हार्दिक पांड्या को या कुणाल पांड्या को अपनी टीम में कैसे भी शामिल करना पड़ेगा या फिर उनकी परफेक्ट रिप्लेसमेंट ढूंढ कर उनकी जगह टीम में किसी और को देनी पड़ेगी, जिसके कारण मुंबई की टीम को एक शानदार रिप्लेसमेंट करते हुए खिलाड़ी का प्रदर्शन मिल जाए, जिसके बाद मुंबई की टीम और भी ज्यादा मजबूत दिखाई देने लगेगी और अपने मुकाबले को जीतने का दमखम रखते हुए टूर्नामेंट को जीत सकेगी। दोस्तों इस मुकाबले में मुंबई की हार का असली कारण क्या रहा, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।